देखो, अभी भारत में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर हमने अभी हाल ही में देखा कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, खासकर कि बंगाल और उड़ीसा, उसमें अम्फान चक्रवात ने बड़ी ज़बरदस्त तबाही मचाई। और अब तीसरा तबाही का मंजर जो है वो शुरू हो सकता है, किसके द्वारा? टिड्डी दल। भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें टिड्डी दल का खतरा ज़बरदस्त रूप से बढ़ के सामने आया है। और ख़ास करके ये जो क्षेत्र है ना, हमारे राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान गुजरात है और ये मध्य प्रदेश है, इनमें ये जो झुंड है, स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड, है ना, ये जो लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, है ना, तो टिड्डी दल का जो झुंड है वह फसलों को तबाह कर सकता है। तो उस खतरे के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो पढ़ते हैं, द स्वॉर्म, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान देना। इस स्वॉर्म का मतलब होता है कि भाई, ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स ऑल मूविंग टुगेदर, है ना, कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो झुंड होता है उसके लिए हम बोलते हैं स्वॉर्म। द लोकस, और यहाँ पे जो लोकस शब्द है इसका मतलब हुआ टिड्डी, है ना, कि ये जो टिड्डी होता है ना। द लोकस इन वेस्टर्न पार्ट्स एड ए न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया, कि भाई भारत जो है पहले से ही कई सारी आपदाओं का सामना कर रहा है, उसमें एक और ये जो नई आपदा आई है तो एक नया आयाम भारत की जो खराब परेशानियां है ना उनमें जुड़ गया है। द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स, कि ये जो टिड्डी दल है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में ऐड ऐड करता है क्या, एक नया आयाम किन चीज़ों में, कि भारत पहले से ही कई सारी आपदाओं का सामना कर रहा है, कई सारी आपदाओं को फेस कर रहा है, उसमें एक और आपदा जुड़ गई है, कौन सी? इन टिड्डी दल की। जस्ट लास्ट वीक, मतलब जस्ट अभी तो पिछले सप्ताह की बात है, ईस्टर्न इंडिया वाज बेटर्ड, ईस्टर्न इंडिया वाज बेटर्ड, ये जो शब्द है ना बेटर्ड, इस बेटर्ड का मतलब होता है नाश कर डालना, बिगाड़ डालना, है ना, किसी जैसे कोई जगह है, कोई स्थान है, उसके ऊपर खतरनाक रूप से बारिश आ जाए, हवा आ जाए, तूफान आ जाए और उसे नुकसान पहुंचा देना, तो उसको बोलते हैं हम बेटर्ड। तो जस्ट लास्ट वीक ईस्टर्न इंडिया वाज बेटर्ड, कि अभी जस्ट पिछले सप्ताह पूर्वी भारत जो है इसको एक तरीके से बिगाड़ दिया गया, नाश कर दिया गया इसका, बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इंडिकेट्स, किसके द्वारा? एक बहुत ही भीषण चक्रवात के द्वारा जो कि दशकों में कभी कभार आता है, बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन डिकेड्स, कि भाई दशक, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, कि भाई कई दशकों में एक बार या दो बार इस प्रकार का चक्रवात हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा पिछले सप्ताह पूर्वी भारत जो है तबाह किया गया। एंड नाउ, और अब, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स आर लॉस्ट एवरी डे, हम क्या देखते हैं वर्तमान में, इवन एज मतलब साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि लगातार जो है सैकड़ों हमारी जानें जाती हैं। अब ये बोलने का अंदाज है थोड़ा, है ना, कहने का मतलब है कि लगातार हमारी सैकड़ों जानें जा रही है, किसके माध्यम से? टू द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के चलते। अनदर डेंजर लर्क्स, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना लर्क्स, इस लर्क्स का मतलब होता है छिपा रहना, घात में रहना, कि एक तरफ तो जो है अम्फान चक्रवात ने तबाही मचाई, दूसरी ओर ये कोरोना वायरस लगातार बना ही हुआ है, और तीसरी ओर एक नया खतरा छिपा हुआ नजर आ रहा है ऑन द वेस्ट नेशंस वेस्ट, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में। और ये खतरा कौन सा है? ये खतरा है टिड्डी दल का खतरा, जो कि हमारी फसलों को बर्बाद कर सकता है। आगे देखते हैं, ए बर्जनिंग लोकस्ट, ये जो शब्द है ना बर्जनिंग, इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, है ना, डेवलपिंग क्विकली। ए बर्जनिंग लोकस्ट का मतलब हो गया टिड्डी स्वाम, लोकस्ट स्वाम का मतलब हो गया टिड्डियों का झुंड, है ना, टिड्डी का दल, इन राजस्थान, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी, है ना, ये जो टिड्डी दल का ये जो बढ़ता हुआ खतरा है ना, थ्रेटन्स, ये डराता है। टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, इन टू एन एग्रारियन डिजास्टर, एग्रारियन डिजास्टर का मतलब है कृषि संबंधी आपदा, है ना, एग्रारियन का मतलब होता है कृषि से संबंधित, है ना, तो डिजास्टर का मतलब है आपदा या एक तरीके से तबाही। तो यह जो खतरा टिड्डी दल का बढ़ता हुआ खतरा है, खास करके राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी, ये डराता है, किस चीज़ से डराता है, कि भाई ये जो कृषि संकट है ना हमारा, ये और ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकता है, बढ़ सकता है। आगे देखते हैं, द डेजर्ट लोकस्ट, कि भाई ये जो टिड्डी दल है ना, ये एक तरीके से कहाँ है ये, कि भाई रेगिस्तानी, इसको कहा गया है द डेजर्ट लोकस्ट का मतलब है रेगिस्तानी टिड्डी दल, एज ए स्पीस मतलब एक प्रजाति है ये, इज द बेन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे बेन, इस बेन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो ए कॉज ऑफ ट्रबल, है ना, परेशानी का कारण, या फिर हाँ इसको आप हिंदी में विनाश कह सकते हो, विपत्ति कह सकते हो, है ना।
तो ये जो लोकस्ट है, ये जो टिड्डी दल है, ये क्या है? इज द बेन ऑफ एग्रीकल्चर, यह एग्रीकल्चर के विनाश का कारण है, एग्रीकल्चर के लिए यह विपत्ति के समान है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना, एंड टैकलिंग, टैकल मतलब हैंडल करना चीज़ों को, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, जैसे कि कोरोना वायरस का प्रकोप है ना, कोई भी बीमारी जब अचानक से फटती है, पैदा होती है और बुरी तरीके से फैलती है ना, तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक, प्रकोप। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब रेगुलर, नियमित अंतराल पे। तो मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक ऑफ द मरोडिंग इंसेक्ट्स। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे मरोडिंग, इसका मतलब होता है एक तरीके से विनाश करने वाला, है ना, इसके वो कई सेंस में यूज़ करते हैं हम, लूटपाट करने वाला या विनाश करने वाला, है ना, तो उसके लिए हम मरोडिंग इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे मरोडिंग इंसेक्ट्स का मतलब है कि ये जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो तबाही मचाते हैं ना, जो विनाश करते हैं। आउटब्रेक ऑफ द मरोडिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर। तो देखो जोधपुर में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये निगरानी करती है और देखती है कि भाई ये जो नियमित अंतराल पे ये जो प्रकोप हमें देखने को मिलते हैं ना, ये विनाशकारी, ये जो इंसेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो कि विनाश मचाते हैं, तबाही मचाते हैं, तो इनकी निगरानी करना और इनसे निपटने की कोशिश करना, ये कुछ हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि कुछ हमारे मुख्य गोल हैं, ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिनके लिए कि हमने LWO को जोधपुर में स्थापित किया है। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस। अपसर्ज का मतलब है कि बढ़ोतरी देखने को मिलना, है ना। देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस, ना कि भाई 13, आप कह सकते हो कि ये जो 13 जो है ना टिड्डी दल के जो है अपसर्ज, टिड्डी दल की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली 1964 से लेके 1997 तक, एंड आफ्टर 2010 और 2010 के बाद देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है एक तरीके की नस्ल जो होती है ना, नस्ल भी होता है ब्रीडिंग का मतलब, और ब्रीड शब्द जो होता है ना उसका मतलब पैदा करना भी होता है। नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग का मतलब है कि भाई 1997 तक ये 13 किस्म की खतरनाक रूप से आप कह सकते हो कि टिड्डी दल की ये जो है प्रजाति हमें देखने को मिली, लेकिन 2010 के बाद में नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, है ना, कोई बड़े पैमाने पर कोई नस्ल हमें देखने को नहीं मिली, रिपोर्टेड मतलब रिपोर्ट की गई। आगे देखते हैं, वंस ए सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स। इन टिड्डी दल के बारे में ही कहा जा रहा है कि जब एक महत्वपूर्ण प्रकोप शुरू होता है, कि जब इनका एक बार प्रकोप शुरू हो जाता है ना जबरदस्त रूप से, तो इट लास्ट फॉर अबाउट 2 ईयर्स, तो वह लगातार जो है 2 सालों तक चलता है, एंड देन देयर इज ए क्वाइटस फॉर अबाउट 8 ईयर्स, और उसके बाद में 8 साल तक मामला शांत बना रहता है। LWO ऑफिशियल्स, कि LWO से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे कहते हैं दैट द स्वॉर्म बिल्डिंग अप, बिल्ड अप जो शब्द आया ना यहाँ पे, इस पर ध्यान देना, बिल्ड अप, बिल्ड अप का मतलब होता है धीरे धीरे एकत्रित होते जाना, है ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे एकत्रित होना। तो ये जो LWO के अधिकारी हैं ये क्या कहते हैं कि द स्वॉर्म, कि भाई ये जो झुंड जो कि निर्मित हो रहा है ना, बिल्डिंग अप, इज पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, द वर्स्ट इन डिकेट्स। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? बुरे से भी बुरा, वर्स्ट इन डिकेट्स। तो LWO का कहना है कि भाई ये जो झुंड जो कि निर्मित हो रहा है, संभावित रूप से इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दशकों में होने वाला सबसे खराब, सबसे बहुत ही खतरनाक होने वाला है ये जो स्वॉर्म आएगा, है ना। वर्स्ट इंडिकेट्स का मतलब है कि जितने भी दशक हुए हैं उनमें जितने भी खतरनाक हमें देखने को मिले मामले, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, वर्स्ट इंडिकेट्स। आगे देखते हैं, इट इज़ अ टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है प्रमाण, साक्ष्य। इट इज़ अ टेस्टिमोनी टू इट्स डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, है ना। डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल का मतलब है विनाश, मतलब बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी संभावना होना, कि भाई इट इज़ ए टेस्टिमोनी टू इट्स डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल, कि भाई इसमें कितना पोटेंशियल है ना, कितनी बुरी तरीके से, डिवेस्टेटिंग का मतलब है बुरी तरीके से विनाश कर डालने की जो क्षमता है ना, उसके लिए कहा गया डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल। दैट एन आकेन, अभी जो शब्द आया ना आकेन, इसका मतलब होता है रहस्यमय, पीस ऑफ लेजिस्लेशन। द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट, ये कानून का नाम है, द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिसीज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट, ये भी कानून का नाम है 1949, हैज़ ए प्रोविज़न। तो ये देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भाई एक कानून जो है ना, इट इज़ ए टेस्टिमोनी टू इट्स डिवेस्टेटिंग पोटेंशियल, है ना, कि भाई कितना खतरनाक रूप से ये जो है ना, बहुत ही बुरी तरीके से जो है, कितना कितनी संभावना है इसमें,
कितनी खतरनाक रूप से तबाही मचा सकता है कि हमने एक कानून बनाया हुआ है, उस कानून का नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट, इसके अलावा डिसीज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट 1949 हैज़ ए प्रोविजन, इस कानून के तहत हमने प्रावधान किया है, वेयर बाय, है ना, इस कानून के तहत ये प्रावधान हमने किया हुआ है कि ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, कि भाई एक जिले का जो कलेक्टर होता है, कैन कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब एक तरीके से बुलाना, किसी की सहायता लेना, किसी को पुकारना, है ना, कॉल अपॉन एनी मेल पर्सन, कि भाई इस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वह किसी भी मेल पर्सन को बुला सकता है, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि कोई भी मेल पर्सन है ना, कोई भी व्यक्ति है जो कि 14 साल से कम का नहीं है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुला सकता है ना, रेसिडेंट है ना, रहने वाला है इन द डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो कि उस जिले में रहता है, टू रेंडर, रेंडर का मतलब है प्रोवाइड कराना, है ना, उपलब्ध कराना, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, कि भाई कलेक्टर को अगर लगता है कि उसे सहयोग की आवश्यकता है तो कोई भी 14 साल से ऊपर का जो मेल है उसको कलेक्टर जो है बुला सकता है, उस क्षेत्र का अगर उस जिले का व्यक्ति है ना, टू रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, है ना, कि भाई यह जो आपदा है इस आपदा से जूझने के लिए या इस आपदा के दौरान सहयोग उपलब्ध कराने के लिए, है ना, तो रेंडर का मतलब एक तरीके से उपलब्ध सहयोग उपलब्ध कराना, है ना, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स एंड देयर इज पोटेंशियल, और इस बात की भी पोटेंशियल, इस बात की भी संभावना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है संभावित कारावास, ध्यान देना, पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है संभावित कारावास फॉर फेलियर, फेलियर टू अबाइड बाय, अबाइड बाय, अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है, और अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, मानना, द लॉ, कि भाई आप यह कह सकते हो कि भाई यह जो आपदा आती है ना, ये जो टिड्डी दल है इसके द्वारा जो आपदा आती है वह आपदा कितनी भयानक हो सकती है ना, उस आपदा कितनी डिवेस्टेटिंग हो सकती है ना, कितनी जो है विनाशकारी हो सकती है, उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमने एक कानून का निर्माण कर रखा है और उस कानून के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी व्यक्ति को जो कि 14 साल से ऊपर का है और मेल है उसको बुला सकता है इस बीमारी से निपटने के लिए ना, है ना, उस व्यक्ति के सहयोग को प्राप्त करने के लिए ना, और अगर वह व्यक्ति सहयोग नहीं देता है तो उसके लिए हमने संभावित कारावास का भी प्रावधान किया है कि अगर इस कानून का पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए कारावास का भी प्रावधान है। तो अब आप समझ सकते हो ये इस बात की टेस्टिमोनी है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो आपदा आती है इस टिड्डी दल के माध्यम से कितनी घातक और कितनी खतरनाक हो सकती है। एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, कि भाई ये जो कानून है कई लोगों को प्राचीन प्रतीत हो सकता है, एंटीक्वेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, है ना, एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, साउंड का मतलब है प्रतीत होना, है ना, कि शायद कई लोगों को ये कानून जो है प्राचीन लग सकता है, ओल्ड फैशन लग सकता है, लेकिन ये कानून याद दिलाता है, इट इज़ अ रिमाइंडर दैट ह्यूमनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, अभी यहाँ पे जो शब्द आए ना ब्लाइट, इस ब्लाइट का मतलब होता है बीमारी, है ना, किसी भी एक तरह की बीमारी, है ना, ए डिसीज़ दैट डैमेजेस, है ना, कि भाई जो नुकसान पहुंचाने वाली कोई बीमारी होती है ना, जैसे कि प्लेग हो गए या फिर ये जो है पेस्टिलेंस है ना, ये पेस्टिलेंस भी एक तरह की महामारी होती है, बीमारी होती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई कई लोगों को ये कानून जो है काफ़ी प्राचीन लग सकता है, ओल्ड फैशन लग सकता है, लेकिन ये कानून हमें इस बात की याद दिलाता है कि ये जो मानवता की जो पुरानी बीमारियाँ हैं ना, विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, यह कभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगी, यह कानून इस बात की याद दिलाता है। द ब्रीडिंग लोकस्ट, द ब्रीडिंग लोकस्ट, कि भाई ये जो टिड्डी दल का, टिड्डी दल की जो नस्ल है ना, ये द ब्रीडिंग लोकस्ट विच थ्रेटन, जो कि हमें भयभीत करती है, डराती है, फार्मिंग है ना, जो कि कृषि क्षेत्र को भयभीत करती है, तो ये जो ब्रीडिंग लोकस्ट्स है ना आर एन इनडायरेक्ट फॉलआउट, फॉलआउट का मतलब होता है नतीजा, तो यह एक तरीके से यह जो लोकस्ट्स है यह एक अप्रत्यक्ष नतीजा है किस चीज़ का, ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशियन, कि गर्म होते हुए भारतीय समुद्र का यह एक अप्रत्यक्ष नतीजा है। एज सम मीटियोरोलॉजिस्ट सजेस्ट, कि भाई कुछ मौसम विज्ञानी जो हैं उनका यही कहना है कि भाई गर्म होते हुए भारतीय समुद्र के कारण ही यह टिड्डी दल जो है हमें देखने को मिल रहा है ना। लास्ट ईयर, पिछले साल हमें क्या देखने को मिला, देयर वर फियर्स, लास्ट ईयर पिछले साल देयर वर फियर्स है ना, इस बात के डर थे, इस बात की चिंताएं थी, दैट द मानसून में फाल शॉर्ट, फाल शॉर्ट का मतलब होता है कमी आना, है ना, कमी, कम होना, कि भाई इस बात की चिंताएं जताई जा रही थी कि भाई जो मानसून है उसमें कमी आ सकती है, मानसून में फाल शॉर्ट बिकॉज ऑफ, और क्या कारण बताया गया था उसका मानसून में कमी आने का पिछले साल, बिकॉज ऑफ एन अल निनो, है ना, अल निनो के कारण
मानसून में कमी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मौसम विज्ञानी ने पिछले साल भारत के लिए जताई थी, है ना। ये अल निनो क्या होता है? अल निनो क्या है कि एक घटना है, ये है ना, एक आप कह सकते हो एक तरीके से जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटना है, अलवायु है ना, और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक कि भाई भूमध्य रेखा के आसपास का जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र होता है ना, वो जब गर्म होने लगता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल निनो के नाम से जाना जाता है इस घटना को, है ना, और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक, है ना। तो ये जो है एक तरीके से तापमान में, समुद्री जो तापमान है ना, उसमें एक परिवर्तन की घटना है, इसको हम कहते हैं अल निनो। तो इस अल निनो के चलते एक संभावना जताई गई थी कि पिछले साल भारत में मानसून कम रह सकता है ना। हाउएवर, हालांकि देर वाज एन एक्सट्रीम ब्लिप, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक फ्लिप, है ना। हाउएवर देर वाज एन एक्सट्रीम फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है पलटी। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की लेकिन तुरंत ही पलटी मार दी, है ना, बदल गए मामला, है ना, पलट दी बात को उसके बाद में। देर वाज एन एक्सट्रीम फ्लिप, है ना। बाय जुलाई इट वाज एविडेंट, है ना, जुलाई बाय जुलाई, है ना, जुलाई तक हमें क्या देखने को मिला, ये प्रमाण देखने को मिला दैट ए पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल, है ना, सकारात्मक इंडियन ओशियन डायपोल। डायपोल का मतलब होता है द्विध्रुवीय, है ना, डायपोल का मतलब होता है दो ध्रुव होते हैं ना, जैसे कि मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसमें दो ध्रुव होते हैं ना, और रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब देखो ये हमारा भारत का क्षेत्र है ना, एक ओशन इधर हो गया, एक ओशन इधर हो गया, एक को कह सकते हो आप पूर्वी ओशन, एक को कह सकते हो आप पश्चिमी ओशन, है ना, तो इस तरह से आप इसको डाइपोल कह सकते हो। तो एडिटोरियल बात करता है कि फिर क्या हुआ कि रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से हायर टेम्परेचर हमें देखने को मिला यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो पश्चिमी समुद्र है ना, इसमें हमें जो है हायर टेम्परेचर देखने को मिला, और इसने जो है काम किया, है ना, वाज इन द वर्क्स, इसने जो है काम किया, तो इसके चलते क्या हुआ, दिस लेड टू, है ना, इसके चलते क्या हुआ, दिस लेड टू, लेड टू का मतलब है ये कारण बना कि भाई हमें क्या देखने को मिला कि ये जो पश्चिमी समुद्र है ना भारत का, उसमें जो है काम देखने को मिला हमें, उसमें जो है रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से हायर टेम्परेचर देखने को मिला, दिस लेड टू, और यह है पश्चिमी समुद्र में, भारत के पश्चिमी समुद्र में ये जो टेम्परेचर की घटना हमें देखने को मिली, बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, यह कारण बना, किस चीज़ का कारण बना, दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया, कि भारत में पिछले साल हमें रिकॉर्ड ब्रेक कर देने वाली, है ना, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रूप से जो है वर्षा हमें देखने को मिली, देन ए कॉज फॉर चीयर, और उस समय ये जो वर्षा हुई ना ज़बरदस्त रूप से, यह प्रसन्नता का एक कारण था, यह एक प्रसन्नता का कारण था, रेनफॉल इंडिया, और भारत में तो हुई ही सही बरसात, साथ ही साथ एज वेल एज साथ ही साथ इन ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र जो है उनमें भी जो है भारी रूप में, ज़बरदस्त रूप में हमें वर्षा देखने को मिली। आगे देखते हैं, लेकिन मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब है नम, आर्द्र, है ना, बट मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स प्रेसिपिटेटेड, है ना। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट शब्द आया ना, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन सडनली और सूनर देन एक्सपेक्टेड, किसी चीज़ को जल्दी ला देना, आपने जितनी उम्मीद नहीं की थी ना उसके पहले किसी चीज़ को जो है ला देना, है ना, उसको कहते हैं कि कोई चीज़ जो है समय से पहले घटित हो कर देना, उसके लिए हेल्प करना, है ना। तो लेकिन ये जो आर्द्र अफ्रीका के, ये जो एक तरीके से आर्द्र अफ्रीका का जो रेगिस्तान है ना, इसने क्या किया, निर्मित किया, है ना, जल्दी ला दिया, किस चीज़ को, लोकस्ट ब्रीडिंग, है ना, इसने ये जो हमारे ये जो टिड्डी दल की जो नस्ल है इसको पैदा करने में जो है इसने मदद की, है ना, एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, फेवरेबल का मतलब है अनुकूल, और ये रेन बियरिंग विंड्स का मतलब है ऐसी हवाएं जो बरसात को लेके आती हैं, है ना। तो अफ्रीका के ये जो रेगिस्तान है वहाँ से ये जो हवाएं चलती हैं जो कि एक तरीके से अपने साथ बरसात को लेके आती हैं, तो ये अनुकूल साबित हुई किन के लिए, इन लोकस्ट के लिए, है ना, ये जो टिड्डी दल है उसके लिए, है ना। एडिंग, एडिंग का मतलब एडेड, एडेड का मतलब है सहायक सिद्ध होना, है ना। तो यह जो बरसात, ये जो एक तरीके से हवाएं हैं ना बरसात लेके आती हैं, कहाँ से बरसात लेके आती हैं, ये अफ्रीका के डेजर्ट से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो बरसात लेके आती हैं, ये सहायक सिद्ध हुई देयर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया, है ना, उनके माध्यम से। दोबारा समझना इस पूरी लाइन को, क्या कहना चाहता है, यह कहना चाहता है कि भाई ये जो आर्द्र अफ्रीका के जो रेगिस्तान हैं इन्होंने जल्दी ला दिया, किस चीज़ को जल्दी ला दिया, ये जो टिड्डी दल है ना, इन टिड्डी दल की जो नस्ल है ना, इसको, और ये जो फेवरेबल है, अनुकूल है, यानी कि ये जो अफ्रीका का ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं क्या करती हैं, इन हवाओं में जो है बरसात होती है, रेन बियरिंग विंड्स होती है, इन हवाओं ने, ये हवाएं जो है सहायक सिद्ध हुई, और इन हवाओं के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हुआ, किसका ट्रांसपोर्ट हुआ, ये जो टिड्डी दल है ना, ये टिड्डी दल जो है भारत की ओर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, टुवार्ड्स इंडिया।
ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हम ये बात कर सकते हैं, दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं ना कि एक तरफ तो ये टिड्डी दल का मामला बना ही हुआ है, दूसरी ओर अगर हम बात करें ना, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं ना ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कि भाई एक तरफ तो ये घटना देखो, दूसरी ओर इस बात पर भी विचार कर लेते हैं ना। तो ऑन द अदर हैंड कोरोना वायरस क्वारंटीन्स मीन्ड दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स वर हाल्टेड। अब देखो क्या होता है कि ये भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसे क्रियाकलाप जो मिलजुल कर किए जाते हैं ना। तो ऑन द अदर हैंड कोरोना वायरस क्वारंटीन का मतलब आपको पता ही, क्वारंटीन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जो है ना, अगर आपको लगता है कि इसके माध्यम से संक्रमण फैल सकता है तो व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अलग कर देना, उसको कहा जाता है क्वारंटीन। तो कोरोना वायरस के चलते क्या देखने को मिला हमें कि यह जो सहयोग था ना भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य रिगार्डिंग किस चीज़ को लेकर, स्प्रे करना है ना, छिड़काव करना, किसका छिड़काव करना, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, कीटनाशक, वर हाल्टेड मतलब रोक दिया गया। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ कि हम जो है पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा इन टिड्डी दलों को रोकने के लिए, लेकिन इस छिड़काव को भी रोक दिया गया, क्यों, कोरोना वायरस के चलते। आगे देखते हैं, वाइल इट इज सम कंफर्ट, जबकि यह राहत की बात है, इट इज सम कंफर्ट दैट देयर इज नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप, है ना, कि अब जो है बहुत ही सीमित मात्रा में भारत में फसल खड़ी हुई है ना। अभी ये जो फसल होती है ना, ये लगभग फसल कट चुकी है पूरे भारत में इस समय, है ना। इट इज, तो ये राहत की बात है कि इस समय ज़्यादातर खेतों में खड़ी हुई फसल नहीं है, लगभग हर क्षेत्र में फसल कट चुकी है ना इन इंडिया, भारत में। Forecasts are for good rains in Rajasthan, और forecast का मतलब है भविष्यवाणी, है ना, कि भाई ये जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं ना, एक तरीके से जो अनुमान लगाए गए हैं ना, तो राजस्थान में ये जो अनुमान लगाए गए ना कि भाई इस बात के अनुमान लगाए हैं कि भाई बरसात भी अच्छी होने की संभावना है ना। एंड पैराडॉक्सिकली विरोधाभासी रूप से, है ना, अब ये विरोधाभासी रूप से conducive condition, conducive का मतलब होता है अनुकूल, favorable, कॉन्ड्यूसिव conditions फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग ड्यूरिंग द sowing सीजन। sowing सीजन का मतलब है बुआई का जो वक्त होता है ना उस समय, है ना। कॉन्ड्यूसिव conditions फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग ड्यूरिंग द sowing सीजन का मतलब है कि भाई अब जो बुआई का समय आएगा ना, बरसात होने के बाद में जो बुआई का सीजन आएगा, तो वह जो बुआई का सीजन है वह बिल्कुल एकदम सही परिस्थितियाँ हैं। किसके लिए सही परिस्थितियाँ हैं, यह जो टिड्डी दल है इसके निर्मित होने के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियाँ हैं। तो यह विरोधाभास है कि भाई चलो ठीक है, अभी फिलहाल में तो कोई फसल खड़ी हुई नहीं है और इस बात की जो है पूरी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि भाई मानसून भी अच्छा रहेगा, लेकिन विरोधाभास ये है कि मानसून तो अच्छा रहेगा लेकिन जो बुआई का समय है उसी समय इस टिड्डी दल के बढ़ने की भी जो है संभावना है ना, टिड्डी दल के लिए भी वह समय जो होगा बहुत अनुकूल होगा, कंड्यूसिव होगा। आगे देखते हैं, ए लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, लेस हाईलाइट, हाईलाइट करने का मतलब है किसी को प्रकाश में लाना है ना, किसी पर जो है बहुत ज़्यादा महत्व देना है ना। ए लेस एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, ए लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि भाई जो वैश्विक तापन है इसका एक पहलू जिसको कि ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, वो पहलू ये है, इज दैट इट मे लिंक डिस्पेरेट डिजास्टर्स, कि भाई ये जो वैश्विक तापन है ये लिंक कर सकता है, जोड़ सकता है, किन चीज़ों को जोड़ सकता है, डिस्पेरेट डिजास्टर्स। डिस्पेरेट का मतलब होता है असमान, डिस्पेरेट का मतलब होता है असमान, कि भाई विभिन्न असमान जो आपदाएं हैं उन आपदाओं को ये वैश्विक तापन जो है जोड़ सकता है। जैसे कि इस वैश्विक तापन के कारण जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लड्स, बाढ़, पेंडेमिक्स, वैश्विक महामारी एंड पेस्टिलेंस का मतलब भी एक तरह की महामारी, ये सारी की सारी बीमारियाँ, ये सारी की सारी महामारियाँ, ये सारी की सारी आपदाएँ जो है खड़ी हो सकती हैं और जो है कनेक्ट हो सकती हैं ना। एम्पलीफाइंग का मतलब है बढ़ाते हुए, द पोटेंसी ऑफ ईच, पोटेंसी का मतलब यहाँ पे ताकत, कि ये जो वैश्विक ताप, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इन सारी की सारी ये जो खतरनाक आपदाएं हैं इनको जो है बढ़ा सकता है और इनकी ताकत को भी जो है बढ़ा सकता है और इनको जो है लिंक कर सकता है, जोड़ सकता है। आगे देखते हैं, इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्नत विज्ञान और तकनीकी, है ना, इम्प्रूव्ड का मतलब है उन्नत विज्ञान और तकनीकी, इज ओनली मेकिंग इट। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा किया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अब आप बोल सकते हो ये तो साइंस आ रहा है
यहाँ पे एंड लगा हुआ है, जैसे राम एंड श्याम वर गोइंग, है ना, तो इस तरह से नहीं होता है ना। ये एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि कोई भी चीज़ जो एक ही आइडिया अभिव्यक्त करती है ना, तो जब हम बोलते हैं ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो हमारा एक मतलब होता है हम विज्ञान की बात कर रहे होते हैं उसमें ओवरऑल, है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखना है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर हम जो है ना एक आइडिया व्यक्त करना चाहते हैं, एक मिला जुला एक आइडिया हम व्यक्त करना चाहते हैं ना। तो इस तरह से क्या है कि जब इस तरह से जब वाक्य को लिखा जाता है ना, इस तरह से जब कहीं अब आपको देखने को मिले तो उसके साथ एक वचन क्रिया लगाई जाती है, सिंगुलर क्रिया, है ना। तो इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ एक आइडिया व्यक्त कर रहा है, इसका ओवरऑल मतलब है विज्ञान, है ना। इसका ओवरऑल मतलब है विज्ञान हमारा, है ना, कि भाई जो उन्नत विज्ञान है हमारा, है ना। तो कहने को लिखा हुआ है कि भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लेकिन ये एक आइडिया अभिव्यक्त कर रहा है। तो जब भी एक आइडिया दिया जाता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं कि एक सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं उसके साथ, है ना। तो इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर, तो ये जो हमारा उन्नत विज्ञान है ना, ये सिर्फ इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है दैट मैंस फॉलीस, कि भाई आदमी की जो मूर्खता है, ये जो फॉलीस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मूर्खता है। ट्रांसेंड का मतलब है एक तरीके से, एक तरीके परे जाना, पार कर जाना, है ना, लांग जाना, ट्रांसेंड बॉर्डर्स, कि भाई जो मानव की मूर्खताएँ हैं वह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित नहीं है। मानव की जो मूर्खताएं हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक चली जाती है, यानी कि बॉर्डर्स को भी लांग जाती है। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है, दिस मेक्स इट नेसेसरी, यह इस बात को जरूरी बना देता है टू एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि हम क्या करते हैं कि एक देश क्या करता है दूसरे देश पर आरोप लगाता है ना। तो जब एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है ना, तो इसको कहा जाता है टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि भाई नहीं ये तुम्हारी सीमा से हुआ है। जैसे अमेरिका है लगातार चाइना के बारे में कह रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना का फैलाया हुआ है ना, चाइना की सीमा से फैलाई है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दिस मेक्स इट नेसेसरी, ये जरूरी बना देता है इस बात को कि हम त्याग दें। किस चीज़ को त्याग दें, कि ब्लेम गेम का मतलब है एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, कि हम एक दूसरे की सीमाओं पर या फिर हम एक दूसरे देश पर ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना, इसको हम त्याग दें। एंड फोकस ऑन, और किस चीज़ पर फोकस करें, पॉलिसीज, उन नीतियों पर फोकस करें दैट विल इंश्योर, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, और हम उन नीतियों पर फोकस करें जो कि सुनिश्चित करेंगे। किस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे, एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, न्यायोचित, है ना, और सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल का मतलब है बने रहने वाला, है ना, एकदम सतत रूप से चलने वाला। और हमें उन नीतियों पर फोकस करना चाहिए जिनके माध्यम से हमारा फ्यूचर जो है ना लगातार बना रहे, एक न्यायपूर्ण, फिर ना एक जो है न्यायोचित जो है भविष्य हमारा जो है लगातार बना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो है हमें हमारा फोकस करना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। इसमें हमने पढ़ा कि भाई एक खतरनाक जो मतलब आपदा है, एक खतरनाक जो संकट है वह भारत पे मंडरा रहा है, और वह संकट है टिड्डी दल का संकट, है ना। तो इसमें एडिटोरियल में हमने देखा कि भाई दो संकट हमारे ऊपर पहले से ही बने हुए हैं, कि कोरोना वायरस तो लगातार बना ही हुआ है, और अभी हाल ही में हमने देखा कि पूर्वी क्षेत्र में ये जो चक्रवात अम्फान है इसने ज़बरदस्त तबाही लाई, तो अब ये जो इसका संकट बना हुआ है ना, तो इसके लिए, और फाइनली एडिटोरियल इसके संबंध में परामर्श देता है कि हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम लगाने की बजाय क्या करें कि कुछ जो है ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिनके माध्यम से हमारा ये जो भविष्य है ना, यह जो है मतलब ठीक तरह से बना रहे। कुछ शब्द इसके देख लेते हैं, स्वॉर्म, है ना, इसको ध्यान देना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, इसका मतलब होता है झुंड, है ना। लोकस्ट का मतलब हो गया टिड्डी, बैटर इसका मतलब होता है ये बिगाड़ना, हिंदी में जो है ना इतना ज़्यादा सही नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश देखो आप इसे, है ना। इफ़ ए प्लेस इज बैटर बाय विंड, रेन या फिर स्टॉर्म, इट इज़ सीरियसली डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय वेरी बैड वेदर, है ना, कि भाई बुरी तरीके से प्रभावित करना किसी चीज़ को, ज़बरदस्त रूप से एक तरीके से नाश कर देना, है ना, उस संदर्भ में आप कह सकते हो बिगाड़ना, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इसको बेटर है, यानी लर्क, इस लर्क का मतलब होता है छिपा रहना, घात में होना, है ना, कोई चीज़ घात में बैठी हो, छिपी हुई बैठी हो, है ना, तो हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन घात में है, छिपी हुई बैठी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे लर्क। बर्जनिंग, इसका मतलब होता है डेवलपिंग क्विकली, है ना, तेज़ी से फैलता हुआ, तेज़ी से बढ़ता हुआ। बैन, इसका मतलब होता है विपत्ति या फिर विनाश, है ना, आपकी परेशानी का कारण। मराडिंग, इसका मतलब होता है विनाश करने वाला, है ना, आपके बिल्कुल एकदम तबाही मचाने वाला। आकेन, इसका मतलब होता है रहस्यमय, है ना, रहस्यमय। इसके अलावा एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड का मतलब होता है ये प्रचलित नहीं है, इसका एंटीक्वेटेड का ये गलत लिख दिया है, ओल्ड फैशन, इसका मतलब है अप्रचलित, है ना, प्रचलित नहीं है ये है अप्रचलित, है ना, ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, अप्रचलित या फिर प्राचीन, है ना, प्रचलित नहीं है, ये गलत लिख दिया है। ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है पौधों को नुकसान पहुँचाने वाली बीमारी, है ना, उसके लिए हम बोलेंगे ब्लाइट। फ्लिप, फ्लिप का मतलब है पलटी, है ना,
आपने कुछ कहा और फिर आप जो है अपनी बात से पूरी तरीके से पलट गए, उसको बोलेंगे फ्लिप। डाइपोल का मतलब हो गया द्विध्रुवीय। इसके अलावा है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब देखना आप, टू मेक समथिंग हैपन सडनली और सूनर देन एक्सपेक्टेड, भाई किसी भी चीज़ को समय से पूर्व जो है ला देना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। इसके अलावा है डिस्पेरेट। इस डिस्पेरेट का मतलब ध्यान में रखना असमान। इसके बाद है इक्यूटेबल। इक्यूटेबल का मतलब है फेयर एंड इम्पार्शियल, है ना, बिल्कुल निष्पक्ष, न्याय संगत, न्यायोचित।